कम बैक टू एस के वन एक्स एंड वी आर बैक विथ रियल नंबर्स क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट यूक्लिस डिविजन एलगोरेथम सो दिस इज रियली गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एज इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने ओवर दिस सर्टन थिंग रियल नंबर यूक्लिस डिविजन लेमा की डिस्कशन की थी एंड टूडे विल बी डिस्कसिंग ओवर एलगोरेथम बाई द वेरी सेम साइंटिस्ट हुआ एंड एक्चुअली अ मैथमेटिशियन हुआ यूक्लिस राइट

and then it can go 9 10 11 and then 12 and finally 24 ye kuch divisors hain 24 ke 48 ki baat kare so that's two that's three three also i suppose and that's a four 6 8 12 and 24 and finally 48 so if we just look over here indeed these bahut sare hinded all of the numbers excluding 48 are the numbers that really match here

24 and 48, की जितने भी होंगे में, उनमें से जो highest वाला नंबर होगा, that is the HCF. इसको हम लोग बोलते, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विच इज एक्चुअली द सेम थिंग एज एच सी एफ एच सी एफ को जी सी डी भी बोला जाता है दाइस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर

So b equals c times another integer q two. That is the thing that can be done. And if I just see that a b q plus r is, so I can also say that r equals a minus b q. A I can be writing as c q one minus. Then uh, what I can be doing is b को मैं c q two लिख सकता हूँ. So c q two times q c common number q one minus q two times q. Right?

भी स्टेप कर सकते हैं कॉमन डिवाइजर सी है या फिर कोई डिवाइजर डी है तो ये ए एंड बी का भी कॉमन डिवाइजर है एंड थिंग्स लाइक दैट सो दूस व एक्चुअली बेसिक्स That we really require foundations that we really, well, we really require to study about Euclid's division algorithm. And the real thing haven't started it. Now we will discuss what exactly is Euclid's division algorithm. This theorem and the things like GCD and HCF, we will discuss this te, so that we can well understand even the proof of Euclid's division algorithm and things like that. But for that, for starting the real topic, first of all, let me erase all this thing. ऑल राइट बैक विध अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट यूगलेस डिजन एलगर ये जो टर्म है ना एलगर एथम इसको बेसिकली ड्राइव किया गया नाइन्थ सेंचुरी के पर्शियन मैथमेटिशियन अलिजनी के नेम सेन द लॉट ऑफ लेटर्स इन डी

तो 210 एंड 55 का अगर मुझे कॉमन डिवाइजर चाहिए सो आई रियली वांट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसीडर कॉमन डिवाइजर सो व्हाट आई कैन डू इज मैं 210 को 55 से तो डिवाइड कर ही सकता हूं राइट एंड इफ आई ट्राई दैट आई विल बी सीइंग रियली हियर आई गेस इन 3 टाइम्स 3 जब 15 5 1 कैरी 3 5 जब 15 1 16 यहां पे हमारा बचता है 45 राइट right? तो मैं अब 210 को एक्चुअल में 55 फाइव इंटू प्लस फोर्टी एक्सप्रेस कर सकता हूं एंड एज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थेरम 210 एंड 55 का जो कॉमन डिवाइजर होगा दैट इज सेम एज 55 एंड 45 का कॉमन डिवाइजर तो अब मैं क्या करूंगा इस मैं 55 को डिवाइड करूंगा बाय 45 सो इट गोज इन वन टाइम एंड इट गोज ऑल right. अब मैं 55 को क्या कर सकता हूँ इज एक्सप्रेसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ 45 फाइव इंटू वन प्लस टेन नाउ लेसन कि 55 एंड 45 का कॉमन डिवाइजर इज सेम एस 210 एंड 55 का कॉमन डिवाइजर एंड ऑल्सो 55 एंड 45 का कॉमन डिवाइजर इज सेम एस 45 एंड 10 का कॉमन डिवाइजर इसका मतलब 45 एंड 10 का कॉमन डिवाइजर इज सेम एस 210 एंड 55 का कॉमन डिवाइजर सो नाउ वॉट आई बी डूइंग हम so लोग

Exactly getting divided by five, तो so, इसका common divisor, so there can be a lot of them. लेकिन highest common divisor देखें, तो वो तो five ही होगा, because five exactly cancels ten. So, highest common divisor, highest common factor, the greatest common uh, factor or divisor, whatever you see, ये तो end presses जहाँ पे हमें remainder zero मिलता है, वहाँ का divisor ही होगा. इसका मतलब this leads us finally to this of a previous step. कि जो हमारे दो इनिशियल नंबर्स थे 210 एंड 55 अगर मैं इस सीरीज को ऐसे कंटिन्यू करूं जहां पे रिमाइंडर जीरो में ही मिलेगा उस एक वाज बीQ प्लस आर के फॉर्म वाले में जो बी टर्म है जिससे हम लोगों ने लास्ट प्रोसेस में डिवाइड किया है वही है इन दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उनमें उन से जो हाईएस्ट होगा द ग्रेटेस्ट एचसीएफ GCD बहुत बार हम लोग जस्ट टू गेट ऑल ऑफ इट शॉर्ट ऐसे भी करते हैं जब हम लोग नोटबुक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं वी डोंट गो वन बाई वन इन तब हम लोग क्या करते हैं वी जस्ट नो द स्टेप्स की 55 go just bring it right here so there it goes 1 times 10 and again what is left here here is uh, sorry this is not 10 instead that is this is 45 yeah 10 and here is 45 this term right here brought here 5 is left here and 10 right so this just we can continue it without much thinking that the common divisors of those two terms are uh, same as common divisors of those two terms and think like that हमलोग directly क्या कर सकते हैं ये वाला जो हमारा divisor है इसको यहाँ पे dividend बना देते ये वाला जो divisor है इसको यहाँ पे dividend बना देते but this is the divisor ये वाला जो divisor है मैं dividend until हमारा remainder zero मिलता है

तो पहले दो नंबर्स का हम लोग HCF निकाल लेते हैं एंड उस HCF का HCF निकालते विद द थर्ड नंबर एंड वी आर गेटिंग दैट इज़ द ऑफ ऑल जस्ट डिवीज़न एल्गोरिथम एंड जय जय भारत